हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन में गिवन है अ स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड गशेस आउट ऑफ अ ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10^-2 मीटर स्क्वायर एंड हिट द वर्टिकल वॉल नियर बाय। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द इम्पैक्ट ऑफ वाटर अज्यूमिंग इट डज नॉट रिबाउंड। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमारे पास में एक वर्टिकल वॉल है, ये हमने एक वर्टिकल वॉल ले लिया और यहाँ पर एक वाटर ट्यूब है और इस वाटर ट्यूब से ये वाटर इस पर स्ट्राइक कर रहा है, टकरा रहा है ना, टकराने के बाद यहाँ पर नीचे गिर जाता है ना। तो अगर इसका स्पीड मान लेते हैं कि डेल्टा एम मास जो है वो डेल्टा टी टाइम में ट्रांसफ़र होता है, क्या मान रहे हैं हम, कंसीडर डेल्टा एम मास, हम इसका डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कंसीडर डेल्टा एम मास ट्रांसफ़र इन डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एम मास ट्रांसफ़र होता है ना। तो अगर हम मोमेंटम चेंज की बात करें, है ना, चेंज इन मोमेंटम की बात करें, है ना, तो वो होगा डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एम इनटू वेलोसिटी, है ना, ये चेंज इन मोमेंटम है। अगर हम फोर्स की बात करें, क्योंकि उन्होंने फोर्स ही पूछा है ना, तो अगर हम फोर्स की बात करें तो एफ इज इक्वल टू डेल्टा एम इनटू वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हो जाएगा, है ना। अगर हम यहाँ पर डेल्टा एम बाय डेल्टा टी फाइंड कर लें तो हमको फोर्स पता चल जाएगा, मतलब कि मास पर यूनिट टाइम कितना निकल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मास पर यूनिट टाइम, है ना, मतलब डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, है ना। अब इस डेल्टा एम को हम लिख सकते हैं रो इनटू डेल्टा वी, मतलब कि वॉल्यूम ट्रांसफ़र डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, है ना। अब यहाँ पर इस वॉल्यूम ट्रांसफ़र को हम लिख सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डेल्टा एक्स, है ना, कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डेल्टा एक्स कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा डेल्टा टी टाइम में, तो डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी का वैल्यू कितना आया, रो मतलब कि डेंसिटी, और इसको हम लिख सकते हैं ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और ये डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी तो वेलोसिटी हो गया, मतलब कि डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू रो ए इंटू वी आ गया, है ना। इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, रो ए वी, और एक वी ऑलरेडी प्रेजेंट था, मतलब वी स्क्वायर हो गया, मतलब रो ए वी स्क्वायर, ये फार्मूला हमने यहाँ पर डिराइव कर लिया, है ना। अब अगर हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो रो का वैल्यू तो 1000 होगा, है ना। वाटर का डेंसिटी कितना होता है, वाटर का डेंसिटी होता है 1 kg पर लीटर या फिर 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब, एक मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना वाटर आता है 1000 kg इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर गिवन है 10^-2 इंटू वेलोसिटी गिवन है 15, तो 15 का तो स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो ये दो जीरो यहाँ से कैंसिल होंगे और 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर होता 225 और एक जीरो बचा, दैट मच न्यूटन, इतना न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।